अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका दोस्त और होस्ट फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। इस वक्त आपका दोस्त और होस्ट शराज भाई के साथ मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम शराज भाई। वालेकुम सलाम जद भाई, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। किधर गायब हो जाते हैं यार? मैं बस आपके पास ही, क्योंकि अपने कस्टमर्स के लिए अच्छी ऑप्शंस जो लानी होती हैं, फिर उसके लिए थोड़ा जो है सर्वे वगैरह करने पड़ते हैं। हाँ, थोड़ा गैप भी दिया जाता है। बिल्कुल। आज क्या क्या ऑफर्स लेके हैं? ईद ऑफर्स है ना, ईद ऑफर समझ लें, क्योंकि आज ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि इन केस अगर बकड़े महंगे हैं, क्योंकि लग रहा है क्योंकि होने ही होने, तो जिनको उधर से रिलीफ नहीं मिलना उनको इधर से रिलीफ देना पड़ता है। सही हो गया। तो इस वजह से आज सिक्स जनरेशन से ऑनवर्ड दोबारा जो है वो क्वांटिटी आई है, जिसमें थिंक पैड भी है, एचपी की एलीट बुक भी है, और इस दफ़ा प्रोसेसर i7 में है ज़्यादातर। ठीक है। और एलीट बुक्स में भी है 15.6 इंचज में, जी बुक अवेलेबल है, 10th जनरेशन है, और साथ ही जो है वो थिंक पैड में वर्क स्टेशन है, एचपी की जी बुक में वर्क स्टेशन है। तो ये सारी ऑप्शन जो है वो दोबारा क्वांटिटी में आई हैं, और इनकी प्राइजेज और इनमें जो डिस्काउंट होगा वो इस दफ़ा मैक्सिमम देंगे अपने कस्टमर्स को। ठीक है। सबसे पहले कौन सा लैपटॉप दिखा रहे हैं? सबसे पहले जवाब भाई, हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे थिंक पैड, जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा इन है और सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। उसकी रीज़न है कि इसमें जो ऑप्शन दे दिए हैं वो कस्टमर्स के लिए बहुत ही रिलायबल है। गाइस कंडीशन देखिएगा, 10/10 कंडीशन है, साफ सुथरा पीस है। T470SS6 जनरेशन में है जी, 6 जनरेशन है, बट प्रोसेसर जो है वो इसका i7 है, i7 6 जनरेशन। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसकी स्क्रीन भी टच है, इवन के 6 जनरेशन बहुत कम आती है टच स्क्रीन में। ठीक है। और इसकी स्क्रीन का बेनिफिट ये है कि इसमें एक्स्ट्रा ग्लास वाला सीन नहीं है, जो डायरेक्ट LCD है वो डायरेक्ट टच है, इसलिए डैमेज वगैरह होने के चांसेस नहीं है। अगर हो भी जाए तो आप सिंपल LCD जो है इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होगा? रेजोल्यूशन फुल HD 1080p है, IPS है, और बैकलाइट कीबोर्ड भी है, और उसके अलावा उन्होंने फिंगरप्रिंट भी मेंशन किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि कस्टमर्स के लिए कि इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा बैटरी दी हुई है। इसमें दो बैटरी हैं, दोनों लिथियम है, जिसका बैकअप मिनिमम 4 से 5 घंटे होगा इजीली। शियाज भाई क्या स्पेक्स हैं अभी इसके अंदर? ये जवाद भाई, कोर i7 6th जनरेशन है, इसमें बायर फोल्ड 8GB 256 है। इवन देखा जाए ना, समटाइम्स होता है कि लेनोवो की जितनी अल्ट्रा स्लिम मॉडल्स आते हैं वो कस्टमाइजेबल नहीं होती। ठीक है। लेकिन ये कस्टमाइजेबल है, इसमें हार्ड और रैम दोनों आप इंक्रीज करवा सकते हैं। डुअल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने इसमें डुअल बैटरी की ऑप्शन दे दी है। ठीक है। मीन्स कि आपको एक बैटरी की प्राइस में दो बैटरियां दे दी हुई और वो एज अ फेवर है समझ लेके कस्टमर्स को। सही। 8256 कोर i7 कोर i7 लेनोवो थिंकपैड T480S फुल HD बैकलाइट कीबोर्ड टच स्क्रीन और टोटल ही कस्टमाइज मॉडल है। कितने की मिलेगी ये जवाब भाई? ईद ऑफर में लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ये 57-58 में मैंशन की थी, लेकिन इस दफ़ा ये मैं अपने कस्टमर्स को 54,000 में दूंगा, 8GB और 256 SSD के साथ विद टच स्क्रीन। ठीक है गाइस, 54,000 में यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेशनली मैकेनिकल कीबोर्ड भी है इसमें, ये भी बताता चलूँ। ठीक हो गया। और दूसरा TCS ऑल ओवर पाकिस्तान का हरियाणा? TCS ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्री है, उसके हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है TCS के, हम लोग किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेंगे। वो लास्ट वीडियो में भी मैंने मैंशन किया था कि वो हम लोग आपको चार्जेस वो ऐड नहीं करेंगे, वो हम लोग खुद से पे करेंगे। 54,000 की गाइस आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉडल जवाब भाई, योर फेवरेट मॉडल G3 बट इस टाइम जो है इसमें प्रोसेसर जो है वो i7 है, और इसमें जो स्पेक्स हैं वो फुली लोडेड कस्टमाइज स्पेक्स हैं। ठीक है। 16GB 512 SSD है, कोर i7 6th जनरेशन HP 840 G3, और सेम उसी तरह बैकलाइट कीबोर्ड भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कंडीशन जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है। ये देख सकते हैं आप, कंडीशन ओके पीस है, साफ सुथरा। ये सामने से मैं कीबोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, और टच पैड है इसका, HP एलीट बुक है। ये वो लैपटॉप है जवाब भाई जो सबसे ज़्यादा पेंटेड की जाती है पाकिस्तान में। अच्छा। क्योंकि इसका टेक्स्चर, इसका जो कलर है वो समझ लें कि रेगुलर आता है। लेकिन हम लोग, मैं जब भी अपने कस्टमर्स को मेरी शॉप से जिससे भी परचेज करेंगे, जो भी लड़का होगा वो आपको ये इस चीज़ की वारंटी देगा 110% कि ये पेंटेड नहीं है, रिपेयर्ड नहीं है और रिफर्ब नहीं है। इस चीज़ की हमारी लाइफ टाइम गारंटी होती है कस्टमर्स को। ठीक है। वही है, फुल HD है और 1080p ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। कोर i7 है, बट कोर i7 है 6th जनरेशन, और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें बाय डिफॉल्ट 16GB और 512 SSD है, और देखा जाए तो जो i5 आती है वो ज़्यादातर 8256 में आती है, इसमें इस दफ़ा 16512 आया है, और एक्स्ट्रा जो है वो आप हार्ड ड्राइव भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और जस्ट लाइक ब्रांड न्यू। सही है। कितने की देंगे हमारे ये जवाब भाई? वैसे मार्केट प्राइस इस टाइम इसकी 65-66 हज़ार रुपये की है, क्योंकि इसमें स्पेक्स जो है वो 16GB 512 हैं, और इसकी जो 8GB 256 की जो होलसेल प्राइस है वो 55,000 में। सही है।
और 55,000 में 8GB 256 की होलसेल हो रही है, ठीक है। और ये मैं अपने कस्टमर्स को 16GB 512 SSD में दूंगा 60,000 में। गाइस ये 60,000 ऑफर है, i7 है, दोबारा से बता दूँ, 6th जनरेशन है, HP की 840G3 है, ईद ऑफर में आपको 16GB और 512 SSD के साथ 60,000। स्पेक्स चेंज है, दोबारा से बताऊँ, बिल्कुल। इट मीन्स कि अगर 8256 का जो प्राइस बनती है उसको फिगर करेंगे ना, तो वो आपको 50,000 में एटलीस्ट पड़ेगी, ये समझ कर आप जो है इसको परचेज करेंगे, क्योंकि 8256 में 16512 में मिनिमम 10,000 का डिफरेंस है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे आ जाए आप। नेक्स्ट मॉडल जवाब भाई, लेनोवो थिंक पैड T480S, उसी तरह सेम है, बैकलाइट कीबोर्ड है, फुल HD है, और फिंगरप्रिंट भी दिया गया, मैकेनिकल कीबोर्ड भी दिया गया, और अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन की गई है। और इसमें सबसे मेजर चेंजिंग ये है कि एक तो प्रोसेसर इसका हेड जनरेशन है, दूसरे इसके जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी टाइप सी है, इसके साथ चार्जर भी जो हम लोग अपने कस्टमर्स को देंगे वो इसका ओरिजिनल देंगे, बिल्कुल। ठीक हो गया, और गाइस दोबारा से बताता चलूं कि लेनोवो के लैपटॉप एज कम्पेयर टू एचपी और डेल मेरे ख्याल से हार्ड और रिजिड होते हैं, उनकी लाइफ टाइम भी ज्यादा होती है। जिन्होंने समझ लिया कि ज्यादा प्रोफेशनली ज्यादा डीपली इसके ऊपर लोड डालना होता है ना, वो डेफिनेटली जाएंगे लेनोवो पे। जो 20-22 घंटे चलने वाली मशीन है, हैंग नहीं होती, स्टक नहीं होती, और जो इसका कीपैड है खूबसूरत सा और मैकेनिकल है, इस पे जो है वो कंफर्टेबल होता है कस्टमर्स को, इजी टू यूज करना। ये कर्व जो बनी होती है ना इसके बटन्स के अंदर, ये स्मूथनेस होती है ज्यादा, बिल्कुल टाइप करने का ज्यादा मजा आता है लेनोवो के लैपटॉप्स पे। अभी क्या स्पेक्स हैं इसके? ये जवाब भाई, लेनोवो T480S है, i5 8th generation, इसमें 16GB रैम है बाय डिफॉल्ट, कस्टमाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने 8 से 16 पे जाने की जरूरत पड़ती है वो ऑलरेडी इसमें 16 उन्होंने भेजी हुई है हमें इस दफा। 16GB 256 है, और इसमें 512 वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। अगर 16GB 256 लेंगे तो ये मैं अपना कस्टमर्स को 70,000 में दूंगा, टच स्क्रीन 8th generation, ठीक है, टच स्क्रीन। और जिन्होंने 512 पे जाएंगे उनको 73,000 में दूंगा, सिर्फ 3,000 का डिफरेंस ऐड होगा, अदरवाइज देखा जाए तो होलसेल भी 4,500 का डिफरेंस होता है। गाइस बेहतरीन ऑफर है, और ये ईद ऑफर है, दोबारा बिल्कुल ये डिस्काउंट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जो ईद के जानवर आपने परचेज करने हैं उसमें आपको ये ना लगे कि आपकी ईद जो है वो महंगी गुजरी है। महंगी है, ठीक हो गया, फिर भी महंगी। ये लें जवाब भाई, सबसे X1 कार्बन लेनोवो थिंकपैड की सबसे कॉस्टली और सबसे फेमस सीरीज जो है X1 कार्बन। एक दूसरे कलर में मौजूद है कि ये कलर? ये स्पेशल एडिशन है, इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। अच्छा, ये से मेंशन करें क्योंकि मे बी कुछ कस्टमर्स ऐसे जिन्होंने ये कलर ना देखा हो। ये देखिएगा, इस सीधा कीजिएगा, बिल्कुल सीधा सामने, हाँ, इसकी मुझे पोर्ट्स वगैरह दिखाइएगा साइडों से, ये गाइस आप और देख सकते हैं इसकी, और ये एंगल सारा ठीक है, खूबसूरत लैपटॉप है, और स्लिम एंड स्मॉल टाइप सी चार्जिंग के साथ है, लाइट वेट है, इजी टू यूज है, इजी टू कैरी, ठीक है। क्या स्पेक्स हैं अभी इसके अंदर? ये जो बात भाई, X1 कार्बन है, कार्बन की ये जो है ये 6th generation कंसीडर होती है, और 8th generation है प्रोसेसर की, कोर i5 8th generation है, और इसमें बाय डिफॉल्ट 8GB 256 है। अब जो X1 कार्बन है ना उसमें और T480S में ये डिफरेंस है कि T480S थोड़ी फैट मॉडल होता है, ये अल्ट्रा स्लिम है, ठीक है। इसमें जो इसमें कस्टमाइज़ की ऑप्शन होती है, X1 कार्बन में आप कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइट वेट होती है, अल्ट्रा स्लिम होती है। अल्ट्रा स्लिम की वजह से जो रैम की स्लॉट्स होती है वो उसमें उन्होंने नहीं दी होती, वो बिल्ट इन दे देते हैं। सही है, और उसी तरह जैसे मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि हर थिंकपैड में आता है, बैकलाइट कीबोर्ड भी है, फुल HD भी है, और X1 कार्बन सीरीज आई है। 8th generation में प्रोसेसर जो है इसका वो कोर i5 में 8GB 256 में। ठीक हो गया, घड़ी कितने की मिलेगी? हाँ, घड़ी ये घड़ी सस्ती है, सस्ती 500-600 रुपये की। ना करें, बस करें आप, सच्ची 256-8 घड़ी गिव अवे ना, कुल मांग लिया। सही है, अच्छा, तो ये अभी 8th generation कोर i5 8th generation है, कोर i5 में है, और ये लास्ट टाइम हम लोगों ने 85,000 की इसकी ऑफर लगाई थी, लेकिन इस टाइम मैक्सिमम रिलीफ देने का वादा था मेरा वीडियो के स्टार्ट पे, और ये मैं अपने कस्टमर्स को 8GB 256 में 78,000 में दूंगा। 78,000 कर सकते हैं बिल्कुल ईद ऑफर में। अच्छा, एक्सपेक्टर थी यार आपके पास HP की? एक्सपेक्टर अवेलेबल है, क्वान्टिटी हमारे पास माशाल्लाह से इतनी आई है कि वो खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, ख़त्म नहीं हो सकती, सही ये नहीं, जैसे कि ये बैकअप लगाया हुआ था, और ये मूवी चल रही है जॉन विक चैप्टर 4, जॉन विक देखी हुई है मैंने, हाफ देखी हुई है, 3 घंटे की मूवी है यार ये, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, तो बस वो लाइट चली गई थी मेरी, मेरे ख्याल से लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, मेरे पास वैसे पड़ी हुई है डाउनलोड वाली, अगर चाहिए। जॉन विक बड़ी अच्छी मूवी है, अगर आप
पसंद करते हैं एक्शन मूवीज, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और अगर स्पेक्ट्रे पे देखेंगे तो और भी अच्छी लगेगी यार, और भी अच्छी लगेगी, डिस्प्ले अच्छा है। क्या स्पेक्स है? टच 360 है और जस्ट लाइक ब्रांड न्यू वाली कंडीशन है। स्पेक्स इसके सेम है जैसे लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था हम लोगों ने, स्पेक्ट्रे है, ठीक है, टच 360 है और कोर i5 फिफ्थ जनरेशन 8GB और 256 में है। इस दफ़ा अगर कहेंगे कस्टमर्स तो हम लोग उनको 67,000 में दे देंगे, ठीक हो गया। 67,000 में इस दफ़ा जो स्पेक्स होंगे वो 8GB 256 होंगे, ठीक हो गया। और साथ में ये एक्शन पैक मूवी आपको देखने को मिलेगी, ये भी देंगे आपको साथ। फ्री है, साथ में इसके पाउच आता है HP वालों की तरफ से, वो भी हम लोग गिफ्ट देंगे क्योंकि वो गिफ्ट ही आया इसलिए हम लोग खुद से रख नहीं सकते, पाउच भी मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट मॉडल जो है वो एलीट बुक है 840G5, ठीक है, i5 8th जनरेशन 8GB 256 SSD और जस्ट लाइक ब्रांड न्यू कंडीशन, कंडीशन कस्टमर्स के मतलब की सही है। अभी क्या स्पेक्स हैं सर इसके? ये जवाब भाई 8GB 256 SSD है, कस्टमाइज मॉडल है, रैम भी इंक्रीज करवा सकते हैं और SSD भी, 8th जनरेशन है और टोटली जो है मेटल बॉडी में है, मेटल बॉडी है जी बिल्कुल सही है। और ये लास्ट टाइम जो हम लोगों ने कंसीडर की थी 72,000 की, बट इस दफ़ा हम लोग ये देंगे अपने कस्टमर्स को 70,000 में। गई 70,000 में यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप। हम मौजूद हैं हफीज सेंटर लाहौर में, बेसमेंट में, आई थिंक लोअर ग्राउंड इसको बोलते हैं, लोअर ग्राउंड, हाँ जी, बेसमेंट में LG 52 माई कंप्यूटर के नाम से शॉप है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं बिल्कुल सही है, कराची से, लाहौर से, जहाँ से भी हैं आप इनसे, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में TCS फ्री है तो TCS के चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे, आप जहाँ मर्जी हमसे मंगवा सकते हैं, ठीक होगा जी। ये कौन सा मॉडल है? ये एलीट बुक में ही बट 15.6 इंचेस में, जिनको स्क्रीन बड़ी रिक्वायर्ड होती है, जिन्होंने ज्यादा प्रोफेशनल और नंपैड के साथ यूज करना होता है उनके लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। तुक्का लगाऊं सर शायद गलत है, तुक्का लगाऊं कौन सा? 850 है, 850 G6 मॉडल है, बिल्कुल ठीक G6 मुझे लग रहा है आपने कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद आपने खुद ये काम शुरू कर देना, जितने मॉडल पे फोकस करते हो ना यह मॉडल नेम पता होना चाहिए ना, सही बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से यही 850 आती है इसी में, इतने बिल्कुल इसी में आती है, इसी स्टाइल में आती है, 8th जनरेशन इसी स्टाइल में आती है, जो पुरानी है वो फिर पुरानी G3 के लोगों में ही आती है, सही हो गया। अब ये i5 8th जनरेशन है, इसमें बाय डिफॉल्ट 16GB रैम है और 256GB SSD है और 15.6 इंचेस में है, सही है, और कंडीशन जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, ये देखें ब्रांड न्यू बिल्कुल न्यू HP लोगों के साथ 850। अभी स्पेक्स इसमें हम कर सकते हैं, मैं इसमें भी सिंगल इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन 7th जनरेशन के बाद जो है ना वो कंपनी ने इसमें हार्ड इंस्टॉल करने वाला फीचर खत्म कर दिया, 8th जनरेशन में एक्स्ट्रा हार्ड की स्लॉट नहीं है, ठीक, बट इसमें जो SSD उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, 1TB लगा सकते हैं, रैम 64GB तक सपोर्टेड है, ठीक है, उसको इंक्रीज करवा सकते हैं जितनी मर्जी। शायद भाई अभी क्या स्पेक्स हैं इसके अंदर? अभी इसमें जवाब भाई i5 8th जनरेशन है, इसमें 16GB रैम है और इसमें 256GB SSD है बाय डिफॉल्ट, जो कि कंपनी स्पेक्स मेंशन करके बेचती है, सही हो गया, जो कि हम लोगों ने ना अभी तक इसको कोई हैंकी पैंकी की है इसके साथ, मींस के ना कोई रैम निकाली है, ना कम की है, ना ज्यादा की है, सही हो गया। कितने की दे रहे हैं? ये जवाब भाई लास्ट टाइम भी होलसेल जब 92,000 में थी, लेकिन इस दफा डिस्काउंट के साथ ही मैं अपने कस्टमर्स को 90,000 में दूंगा। गाइस 90,000 के 90K की आप यहां से हासिल कर सकते हैं, जो के फीडबैक लास्ट भी मस्त शेयर कीजिएगा बिल्कुल, जो के हमारे यूट्यूब चैनल के रेफरेंस से आएंगे उनको फिर 90,000 में देंगे, ठीक है जी 90,000 के। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट मॉडल जवाब भाई बहुत सारे कस्टमर्स ने कहा था कि 10th जनरेशन नहीं मेंशन करते, 10th जनरेशन अवेलेबल नहीं है, तो इस दफ़ा 10th जनरेशन भी लेकर आए हैं, वो भी एलीट बुक में, जो कि सबसे फेमस और सबसे कॉस्टली सीरीज होती है। ये HP लवर्स के लिए ये वीडियो है मेरे ख्याल से, मोस्टली जो लैपटॉप हम HP के ही कर रहे हैं इसके अंदर जो बेसलेस है बिल्कुल, और देख सकते हैं आप बहुत ही हल्की थोड़ी सी स्पेस उन्होंने स्क्रीन पर छोड़ी हुई है, बाकी सारी स्क्रीन को कवर किया हुआ, और ये फ्रंट पे आप स्पीकर देख सकते हैं, बैंग एंड ऑर्फन के अंदर स्पीकर आते हैं, HP एलीट बुक कोर i5 10th जनरेशन है और डिजाइन बहुत जो है वो आउटस्टैंडिंग उन्होंने डिजाइन किया है। पोर्ट्स वगैरह भी आप साथ, अच्छा चार्जर वगैरह देते हैं आप साथ? चार्जर साथ देते हैं जो अभी, ठीक है। इवन देखा जाए तो जब हम लोग बाहर से डील हमें ऑफर होती है ना, तो उसमें चार्जर इंक्लूड नहीं होता, चार्जर की डील हमें अलहदा परचेज करनी पड़ती है सेपरेट पैसों में, सही हो गया। बट यूजर्स जो है उनको अब सेपरेट लैपटॉप कहीं से लें, चार्जर कहीं से लें, तो इस वजह से दुकानदार को जो है चार्जर साथ देना पड़ता है। सही पोर्ट चार्जर है इसका? इसका जो है वो HP ब्लू पिन है, स्टैंडर्ड चार्जर जो आता है, अच्छा अच्छा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है इसको टाइप सी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आता है 45 to 65 वॉट मैक्सिमम,
बट इसको रिक्वायर्ड होता 90 वॉट, क्योंकि स्क्रीन साइज बड़ी है, मशीन बड़ी है, इसलिए इसको रिक्वायर्ड बड़ा होता है। गैलेक्सी 15.6 आई थिंक 15.6 इंचेस में एलीट बुक सीरीज है, कोर i5 10th जनरेशन है सॉरी, और 850G7 मॉडल है इसका 10th जनरेशन में, और ये 16GB 256 में हम लोग अपने कस्टमर्स को देंगे 130 में बिल्कुल 13 है ना 1,30,000 के साथ 16,256 के साथ हासिल कर सकते हैं यहाँ से माई कंप्यूटर लैपटॉप से। ये मेरे ख्याल से वर्क स्टेशन है जी, बिल्कुल वर्क स्टेशन है विद ग्राफिक कार्ड के साथ। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कवर की थी, बट इस दफा इसकी अच्छी प्राइस और अच्छे डिस्काउंट के साथ हम लोग हाजिर हैं। इस कलर में ज्यादा डार्क लगती है वो मैकबुक वाला जैसे मैकबुक, ये बिल्कुल ये इसमें क्योंकि हर ब्रांड जो है दूसरे ब्रांड को देखे कुछ ना कुछ जो है शशका ऐड करता ही करता अपने ब्रांड में, इसलिए उन्होंने ज़ीबुक में ये स्पेस ग्रे कलर दे दिया, स्पेस ग्रे कलर बिल्कुल मैकबुक की तरह बिल्कुल ऐसे। ये भी 15.6 में है, बट इसमें जो प्रोसेसर है वो i7 है, i5 नहीं है, i7 है। ZBook 15 है G5 में, i7 8th जनरेशन है, और इसमें बाय डिफॉल्ट जो स्पेक्स हैं वो 16GB रैम है और 512 SSD है। सही हो गया। अच्छा मोस्टली हम i7 ही कवर कर रहे हैं सारे आज। बिल्कुल i7 भी हैं, i5 भी हैं, मिक्सिंग है, ऑप्शन सारी पड़ी हैं, बट जो है वो जिनकी ज्यादा डिमांड हो फिर उनकी जो है वो वीडियो हमें बनानी। ठीक हो गया। अभी क्या स्पेक्स हैं इसके अंदर? ये जो बात भाई, i7 ZBook 15 G5 कोर i7 8th जनरेशन, इसमें 16GB 512 SSD और 2GB ग्राफिक कार्ड भी है इसमें। सही हो। और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो AMD Radeon का M नहीं है शायद 3100 है, 3100 है, और जो है ना ये अपने कस्टमर्स को हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है 140 की कंसिडर की है। ठीक है 140 में, लेकिन इस दफ़ा मैक्सिमम रिलीफ देना है इसलिए हम लोग ये 135 में दूंगा 16GB और 512 SSD के साथ। ठीक है 135 में i7 8th जनरेशन HP ZBook और कंडीशन जस्ट लाइक ब्रांड न्यू। फिर बताता चलो। हाँ गाइस इस साइडों से मुझे इसके ना स्क्रैच दिखा रहे हैं, पोर्ट्स वगैरह दिखाएं मुझे इसकी। ये गाइस आप पोर्ट्स देख सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स आती हैं, और दूसरी साइड से भी देख सकते हैं। और ये कलर है बैक से कंडीशन, फ्रंट से कंडीशन, ओके पीस है। 1,35,000 रुपए में HP ZBook ZBook हासिल कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पे जो मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट है ये वाला, ये सेकंड लास्ट है, इसके अलावा नहीं, इसके बाद भी है एक ऑप्शन। ये Lenovo ThinkPad में वर्क स्टेशन है, ये पी सीरीज है, क्योंकि पी से जो है वो इसके वर्क स्टेशन के मॉडल की कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि इसमें अभी ये वो ऑप्शन है जिसमें आप एक्स्ट्रा हार्ड भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा SSDs भी लगा सकते हैं, 4 स्लॉट्स रैम की देते हैं, वर्क स्टेशन का मतलब ये होता है। और इसका जो प्रोसेसर है वो कोर i7 7th जनरेशन है, और इसका जो मॉडल है Lenovo ThinkPad P51 है i7 7th जनरेशन में, 16GB 256, और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो 4GB है, और वो भी 4GB है, और i7 7th जनरेशन है HQ प्रोसेसर में, और इसकी रेजोल्यूशन भी 2K और 4K आती है, इस वजह से वो भी मिल सकता है आपको, यानी कि ऑल इन वन समझ लें सारी ऑप्शन हैं इसके अंदर। जो ग्राफिक कार्ड वाले लोग हैं ना पूछ रहे होते हैं, ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ दो लेवल लैपटॉप कवर कर लिए हैं, उनके लिए भी एक अच्छे ऑप्शंस हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसमें हम लोग मैक्सिमम रिलीफ देंगे, अब i7 7 4GB ग्राफिक कार्ड और साथ में 4K रेजोल्यूशन 2K रेजोल्यूशन हो, वो मिनिमम 130-135 के राउंड अबाउट है, बट ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी 120 की कंसिडर की थी, और इसमें मैक्सिमम रिलीफ दूंगा, और ये इस दफ़ा जो मैं अपने कस्टमर्स को 1,10,000 रुपये की दूंगा 16,512 और 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ। 1,10,000 रुपये की बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप पे आ जाएं सर, शिराज भाई। शिराज भाई जी जी, कुर्बानी करनी है इस बार इंशाल्लाह, बड़ी बड़ी कुर्बानी, छोटी कुर्बानी इस दफ़ा हम लोगों ने आपको कुर्बान कर दिया। चलेंगे ठीक है जी। ओके जी, ZBook आ गई जी लास्ट पे, ZBook 15G3 सही होगा जी, Core i7 6th जनरेशन है सॉरी, HQ प्रोसेसर है। अब ये वाहिद ऑप्शन है जिसमें ज्यादातर जो है ग्राफिक कार्ड 2GB आता है, लेकिन इसमें 4GB ग्राफिक कार्ड भी है, और इसमें जो हार्ड ड्राइव जो ऑप्शन लगी हुई है वो 1TB SSD लगी है बाय डिफॉल्ट, 1TB SSD के साथ है। Core i7 6th जनरेशन हेक्साकोर प्रोसेसर में है, 16GB रैम है, 1TB SSD है, 4 स्लॉट्स इसमें रैम की हैं, 2 स्लॉट्स इसमें SSD की हैं, 1 स्लॉट इसमें हार्ड ड्राइव की है, यानी कि टोटल वर्क स्टेशन है, जितना मर्जी कस्टमाइज कर सकते हैं।
बैकलाइट कीबोर्ड भी है, फुल एचडी भी है, फिंगरप्रिंट भी है, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। ठीक हो गया, इन ऑल द विद ऑल द स्पेक्स ही खूबसूरत सी जो मॉडल है ये बुक कितने की देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए ईद ऑफर, ईद ऑफर में। और ये लास्ट टाइम जो 112 या शायद 115 में हम लोगों ने मेंशन किया था, सही है मुझे याद नहीं है, अगर बड़ा भी कम हो तो 110 लाजमी होगा, लेकिन इस दफा इसमें रिलीफ दूंगा और ये 105 में दूंगा अपने कस्टमर्स को, 16 और 1 TB SSD और 4 GB ग्राफिक कार्ड, 1 TB की SSD मेरे ख्याल से 20,000 की है, मेरे ख्याल से बिल्कुल 17-18,000 रुपए की है, इतने तक की जाती है, तो बाकी 16 GB रैम है, हाई लेवल स्पेक्स हैं सारे इसके बिल्कुल, और इसके बाद भी आप मजीद इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। और दूसरी बात ये बताता चलूँ कि ना तो ये इंस्टॉलमेंट्स पे डील करते बिल्कुल, ना तो ये कैश ऑन डिलीवरी पे डील करते हैं, आप कॉल करके इनको लिटिल इनसे बाकी भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए आपको फेवर देने के लिए जो है ना हम लोगों ने पिछली प्रीवियस वीडियो से जो है वो हम लोगों ने TCS फ्री कर दी है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए मंगवाना, आपको जो TCS के चार्जेस हैं वो ना पड़े, उसमें से भी हम लोग बकरा ईद मुबारक हो इंशाल्लाह, खैर मुबारक आपको भी ईद मुबारक, और इधर होना कि घर जाना आपने, घर ही करूँगा यार, ईद घर ही करेंगे, और व्यूवर्स को अभी भी एडवांस में वो तो अभी 15 दिन पड़े हैं, पहले कह दिए कोई मसला नहीं, ठीक है बाद में भी बिजी हो जाते हैं बिजी लोग। अच्छा जी एड्रेस बताएंगे, एड्रेस के बाद भी हम लोग इस टाइम हफीज सेंटर में मौजूद हैं, LG 52 नंबर शॉप है मेरी माई कंप्यूटर एंड लैपटॉप के नाम से, और जो कि गुलबर्ग 3 लाहौर में अवेलेबल है। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बताएं, 03004636137 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पे अली भाई मौजूद होंगे, अगर मैं मौजूद ना हुआ जिन्होंने मुझे मिलना हुआ वो अली भाई को बोलें और मैं हाजिर हो जाऊँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच गाइस, अपने फीडबैक का लाजमी इजहार कीजिएगा, बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त आपका दोस्त आपका होस्ट RJA5 एंड माई कंप्यूटर लैपटॉप शराब भाई के साथ जाना चाहता, अल्लाह हाफिज़।